गाइस, दिस इज मुंबई, दिस इज आई एम। और मैं बहुत कम है इसलिए बहुत टेंशन हो रहा है। सर्विसिंग कराना है, बाइक का ट्रेनिंग लेना है, एयरटेल में मेरा एयरसेल को चेंज करना है, पोस्ट पेड लेना है, जगह नया है, बाइक अगर नहीं रहेगा तो मैं किस पे आना जाना करूँगी। तो ये टेंशन लेके निकल रही हूँ। निकलते निकलते बज गया 12। ठीक है, स्टिल मैं दिखाती हूँ कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग खुद कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। लेट्स गो। निकल रही हूँ और इन्होंने बोला मेरा टॉप बॉक्स का ध्यान रखेंगे। आपका नाम सर? मिस्टर प्रदीप है यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ यहाँ से निकल के, मेरा बाइक गर्म हो रहा है, रेडी है। चलो पहले सर्विसिंग भाई, बाकी बाद में। आ गई फाइनली बजाज सर्विस सेंटर, जिसका नाम है पायोनियर बजाज सर्विस सेंटर, जो है साकिनाका में। अभी यहाँ पे देती हूँ इसको। सर्विस सेंटर मिला मुझे क्योंकि सर्विसिंग करना है, तभी जाएगा बाइक। यहाँ होगा मेरा सर्विसिंग, कब देंगे पूछते। मैं अभी इंजन ऑयल रिप्लेस करेंगे, क्लच केबल एक्स्ट्रा फिट कर रहे हैं, चेन क्लीनिंग लूप कर रहे हैं, कूलेंट टॉप अप कर रहे हैं, जनरल चेकअप कर रहे हैं। बाकी बाइक ठीक है अभी तक? हाँ, बाकी My beautiful bike is ready. My partner is ready to move. Let's go. जो बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरे लाइफ का, वो आज करने जा रही हूँ मैं SNS कस्टम व्हील्स में, जो दही साइड ईस्ट में है। और ये मैं आ गई और अभी बताती हूँ एक्चुअली ये है क्या। गाइज, मैं आई हूँ SNS कस्टम व्हील्स है, जो मुंबई में है। और ये है मिस्टर अमित, जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे हेल्प करने वाले, बहुत बड़ा हेल्प। और क्या है वो बताते हैं, उससे पहले मिलते हैं यहाँ पे और जो राइडर्स खड़े हैं। हाय, दिस इज डिम्पी। डिम्पी, ओके। आप? ओके ओके। तो आप लोग कहाँ गए थे राइट पे? या राइट नाउ तो हम लोग गोवा जाके, बट देन लद्दाख, स्पीति। हाँ हाँ, कर लिया सब। साउथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट बाकी है। अच्छा, तो वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट, आना ही है। हाँ, वो एक ही बाकी है। आप वापस आ जाओ, देन वी विल कम डाउन, है ना? फिर हम जाएंगे। सो आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा बोलिए हमारे व्यूअर्स को। वी विल ट्राई टू टीच यू सम टेक्निकल थिंग्स व्हाट विल बी हेल्पफुल फॉर योर राइड, लाइक doing some work on your own motorcycle, like changing clutch cables, changing your brake pads, doing some chain cleaning and stuff. देखते हैं अभी क्या कैसे करें। ठीक है, चलिए शुरू करें। जी, आपको बट ये संभालना है। एक्चुअली जब बाइक चलता है तो ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, जो लाइट कलर का है, वो खत्म होने लगता है। तो सिर्फ जब ये ब्लैक पोर्शन बचने तक आएगा तो आपको वो चेंज करना है। और ये है सर जिनका ये बाइक है। हेलो भाई, इतना क्लीन बाइक है, ऊपर से वो बोल रहे हैं अभी तो क्लीन करना है। आपका नाम बताइए। रोहन। रोहन, मिस्टर रोहन, कहाँ से आया अभी ये बाइक, कहाँ से आया लास्ट? बनारस। बनारस, बनारस आगरा जयपुर। हाईवे, हाईवे राइट था? फ्रेंड का शादी था बनारस में, वहाँ पे रुके, फिर ऐसा घूम के थोड़ा अच्छा फिट करके आए। आप नॉर्थ ईस्ट गए? बाकी है, नाइट भी देश है। नहीं नहीं, आप सबको जाना है अभी। ठीक है, थैंक यू, आपने बाइक दिया मुझे सीखने के लिए। स्टील खोलना है तो ये दो चीज़ें, ये स्मॉल वन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ पे आएगा, बिग वन ऑन द राइट हैंड साइड। क्या बात है, वो सिर्फ आपको लूज करना है। आई थी वो हो गया मेरा ट्रेनिंग, बहुत बेसिक बेसिक मैंने सीख लिया, लेकिन इससे क्या हो रहा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया था डर के मारे, वो थोड़ा सा अभी जगह पे आ गया है। थैंक्स टू मिस्टर अमित कि आपने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा एटलीस्ट हाई किया है। वी गॉट मोटिवेटेड बिहाइंड योर रूट प्लान एंड योर वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड। आप ये जो राइड प्लान किए हो, इससे हम चार्ज हो गए, तो आपका मोटिवेशन लो होना तो इम्पॉसिबल था। सो अंध भला तो सब भला, यू विल रॉकेट
मजा करो बस एंड हैव फन ऑन द रोड स्टे सेफ थैंक यू आपने मेरा हेल्प किया प्लेजर इज ऑल अस या राइट सेफ थैंक यू देयर वाज वन थिंग शी वाज प्रॉमिस्ड फ्रॉम बजाज दैट शी विल बी गेटिंग सम हेल्प रिगार्डिंग द टेक्निकल बिट्स एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस फ्रॉम बजाज बट डोंट नो व्हाई दे डिनाइड एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई डोंट थिंक दैट इज अ फेयर थिंग टू हैपन विद एनीवन सो not specially when someone is going on such a long ride that this thing should not happen whatever the whole thing was. See I'm not too sure of the entire ride because I was just sharing I wouldn't have done this so you already gained respect in my head for sure thank you but all I want to tell you is whenever you're going wherever you are I want you to have fun with yourself because that's the whole point of riding motorcycling that you get to spend time with yourself and you unleash your own self in a different way when you are on a motorcycle and that too on a different country and that too away from family for such a long time correct so I'm guessing you will experience a different version of you and but when you come back we hope to see another version of yours when we meet you next and you will share your experiences and I think that will then motivate probably me to do something like this but as of now this is not my scene okay anyways all the best and cheers thank you ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद जैसे मैं थोड़ा आगे आई फिर मैं एक्चुअली प्लान किया हुआ था कि हम लोग साथ में डिनर करेंगे जो मेरा ये फ्रेंड है शंकर पाटोर ये एक्चुअली यहाँ रहते हैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में है काम करते हैं ये कोरियोग्राफर है मार्शल आर्ट्स के काफ़ी टाइम से जानती हूँ मैं थ्रू फेसबुक भी मिली हूँ गुवाहाटी में भी मिली हूँ और यहाँ मुंबई में मिलने का चांस हुआ और ये उनके फ्रेंड है बहुत देर वेट किया मेरे साथ कि हम लोग साथ में डिनर करें यही तक का था आज का ब्लॉग और कल है मेरा फ्लैग ऑफ तो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए क्योंकि गवर्नर सर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र वो करने वाले हैं मेरा फ्लैग ऑफ तो उसके लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें थैंक यू फॉर योर सपोर्ट